मांगकुई एग्रोटेक। नमस्ते सलाम दोस्तों, और अभी हम लोग इस वक्त नेपाल बॉर्डर के अंदर हैं, यानी कि जो आप देख पा रहे हैं नेपाल और इंडिया की बॉर्डर है, और हम लोग बॉर्डर के अभी नेपाल के साइड धान दाने का काम कर रहे हैं। और अभी आगे आप लोग देखेंगे नेपाल का नेशनल फ्लैग जो है, अभी आपको दिखाते हैं हम। अभी देखिए उस घर पे नेपाल का नेशनल फ्लैग भी लगा हुआ है, और हम लोग एक का बनाया हुआ मंकू थ्रेसर जो कि अभी मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, उसकी बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा थ्रेसर है जो कि 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर या उससे थोड़ा सा बड़ा भी ट्रैक्टर या फिर कोई भी ट्रैक्टर जो कि 35 हॉर्स पावर हो या उससे बड़ा हो उसे चला सकते हैं। और इसकी गुणवत्ता ये है कि पराली जो है बहुत बड़ी बड़ी निकालती है, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें कि 6 फैंस लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत मुझे क्या लगी कि जो पीछे का पार्ट है, पहले यहाँ पर बेल्ट लगा हुआ रहता था, और बेल्ट जो है कि उसमें साड़ी वगैरह या फिर रुमाल फंस जाने का किसानों का ये बहुत बड़ी समस्या होता था, जिससे कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती थी। वो समस्या अभी मंकू एग्रोटेक ने हटा दिया है। और आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं, यहाँ पावदान जो है इसका बहुत ही खूबसूरत बनाया है। पहले उठाना पड़ता था, अभी क्या है कि इसको जो है कि नीचे गिर जाता है, जिससे कि आपका जगह का भी बचत हो जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, ये अभी फ़िलहाल जो जो ट्रैक्टर में है ये अर्जुन नोवो ट्रैक्टर है, शाफ्ट भी इसका बहुत अच्छा है, और अर्जुन नोवो ट्रैक्टर में ये लगा हुआ है। और इसकी पराली फेंकने की क्षमता कम से कम 30 से 35 फीट है जो आप अभी देख पा रहे हैं, और इसकी पराली खड़ी खड़ी निकलने की वजह से ये चौपाइयों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है और कारगर है। उसको बहुत पसंदीदा मान करके चौपाया यानी कि गाय भैंस हमारी पशु फॉर्म के लिए भी उपयोगी है। और इसकी जो वेस्टेज पार्ट यानी कि हमारे वहाँ उसको प्रकोसा बोलते हैं, वो बिल्कुल ही साइड कर दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो पराली है वो बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के हैं। ये धान बहुत पक जाने के वजह से जो है कि, और इधर का धान जो है छोटा छोटा हुआ था, तभी पराली बहुत अच्छा निकाला है। और ट्रैक्टर पे बिल्कुल भी लोड नहीं है, बहुत आराम से चलता जा रहा है, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। अभी दोस्तों अभी आपको मैं कुछ और दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। अभी ये जो ट्रैक्टर है ना, मेरा यहाँ पर मीटर ख़राब हुआ है जिसमें 15 दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में हम लोग इसको 13-12-21 मिनट चला रहे हैं मात्र, क्योंकि ये 60 HP का ट्रैक्टर है और महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 मॉडल है इसका। और ये जो है थ्रेसर, ये 2022 का मॉडल है, और ये फ़िलहाल भी नेपाल देश में चल रहा है, यहाँ पे भी धूम खूब मचा रहा है, और यहाँ पर पसंदीदा बना हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत ही शानदार है। अगर आप भी एक अच्छे किसान हैं और इसे आप अपनी मोटी रकम कमाई करना चाहते हैं, व्यावसायिक रूप से भी प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप मंकू पैडी थ्रेसर को खरीद सकते हैं, जिसके भी मार्केट प्राइस जो है अपने भारत में 2,25,000 के करीब है, जहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। ये मशीन भी हम लोग ने भारत से ही खरीदी हुई थी, उसके बाद ले आके कस्टम करवा करके फिर इसको नेपाल में चलवा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जानकारी मिली होगी। आगे अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं भैया से। धन्यवाद, नमस्कार।